Hello everyone and a very warm welcome to SEEKHSHA. So guys, last lecture जो previous year questions की playlist में हमने discuss किया था, उसमें हमने EPFO, APFC 2015 exam के history के previous year questions discuss करे थे, जो around 9 questions थे. अब हम discuss करेंगे polity के questions. सो पॉलिटी के 10 क्वेश्चंस 2015 में पूछे गए थे. तो रफ आइडिया बेसिकली आप यार पॉलिटी का 10 से 15 लेकर के चलो, एपीएफसी में भी और एओईओ में भी. अब एओईओ में देखो पिछली बार तो 3 ही सवाल आए थे जो डायरेक्टली पॉलिटी के साथ एसोसिएटेड थे, बट द क्वेश्चंस कैन गो अप एंड डाउन. हो सकता है इस बार कम हो जाए, जैसे एपीएफसी में 10 थे तो क्या पता एपीएफसी में 5 ही पूछे, एओईओ में 3 थे उसमें क्या पता 10 पूछ ले. तो वो एक आपने बेसिकली एक मिनिमम नंबर लेकर के चलना है कि 10 से 15 का जो आपका एवरेज है वो आएगा पॉलिटी के क्वेश्चंस में से. और पॉलिटी कंपैरेटिवली अगर एक बार समझ लिया तो इजी है. करंट अफेयर्स के अंदर जो इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पॉलिटी के टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कवर्ड होने चाहिए. तो ये 2015 के हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अब, एंड लेट अस क्विकली स्टार्ट विद इट. बिफोर गोइंग इनटू दैट गाइज, ये एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स ये ले लो, बार बार बोल रहा हूँ. यूपीएससी ईपीएफओ कोड यूज करके 50% ऑफ भी मिलेगा इस पे. इसमें आपको यूट्यूब की सारी जितने भी हमारी क्लासेस हो रही हैं उसके पीडीएफ फाइल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के 500 क्वेश्चंस, सोशल सिक्योरिटी के 500 क्वेश्चंस, गैप के 500 क्वेश्चंस मिनिमम, इतने तो मिलेंगे. इट कैन गो अप अबव दिस ऑल्सो, ओके. सो और रेगुलरली क्वेश्चंस उसके अंदर ऐड हो रहे हैं. कई बच्चों को लगेगा सर ये पिछले साल का नहीं, इसको कोर्स को पूरे तरीके से रिवाइज किया गया है, पूरे तरीके से इसको रिन्यू किया गया है, ओके. सो गो विद दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. एग्जाम के बाद आपको पता चलेगा कि कितना ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहा. और अगर आप ये लेते हो तो आपको यूट्यूब फाइल्स की भी अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ओके पहला क्वेश्चन देखो. अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है. अब आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल ही मतलब हलवा क्वेश्चन हो गया. बेटा हलवा क्वेश्चन तो है, पर आप मानोगे नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, पेपर में कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि, ओके. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर? अभी 2015 में सवाल आया था, उसके बाद थोड़ा सा इंडिया का पॉलिटी चेंज हुआ है, ठीक है. हमने जे एंड के को स्टेट से हटा करके उसमें 2 यूटीज डाल दिए, एंड 2 यूटीज को हमने जो है सिंगल यूटी बना दिया. तो अल्टीमेटली हमारे पास अभी जो टोटल हमारे पास इक्वेशन बनता है वो बनता है 28+8 का, ठीक है. 28+8 का आपने मेरे को ये बताना है लास्ट कमेंट के अंदर, आपने बताना है कि किन 2 यूटीज को एक सिंगल यूटी बनाया गया, ओके. वैसे हमारे पास पहले कितनी यूटी थी? 7 यूटी थी. जे एंड के बाइफर्केशन के बाद 9 होनी चाहिए, क्योंकि एक लद्दाख वाली हो गई और एक कश्मीर वाली हो गई, तो 9 होनी चाहिए, बट 8 ही है. क्यों? क्योंकि 2 यूटीज ऐसी हैं जिनको सिंगल यूनिट बना दिया गया है. तो आपको वो मुझे कमेंट के अंदर बताना है. हाल फिलहाल आंसर इस टाइप के क्वेश्चन का आपका 28+8 होगा, एज सिंपल एज दिस. इंडिया का जो बेसिक फीचर्स है ना क्वेश्चन में वो आपको पता होने चाहिए. ज्योग्राफी वाला सेगमेंट या जीके वाले सेगमेंट में ही आ जाता है वो. इंडिया की लेंथ, इंडिया की जो विड्थ है, इंडिया की कोस्ट लाइन जो है, इंडिया का जो एरिया है, इस टाइप की जनरल सी चीजें तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में आजकल पूछे जाते हैं. पहले बच्चे इसको बहुत लाइटली ले लेते थे, लेकिन अब ये पूछे जाते हैं इस टाइप के छोटे छोटे फैक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट को अंडरलाइन कर लेना है. पहला स्टेटमेंट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, ओके, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर भारत में कुछ भी नहीं है. दूसरा, देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है. कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. चौथा स्टेटमेंट है कि यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर सॉवरेन. अच्छा, कि यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन है, ओके. The preamble of the constitution cannot be invoked to determine the ambit of fundamental rights. कि आप preamble की हेल्प नहीं ले सकते हो फंडामेंटल राइट्स के स्कोप को डिटरमिन करने के लिए या वाइडन करने के लिए. आपको बताना है कौन से इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है. देखो, इंडिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो सुप्रीम है. हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, अल्टीमेटली। तो अपना पहला स्टेटमेंट तो किसी भी हालत में सही है। पहला स्टेटमेंट अगर सही है अपना, तो आंसर यहाँ पर अपना बी तो ऑप्शन क्या एलिमिनेट हो गया, बी ऑप्शन तो बचता ही नहीं है। उसके बाद क्लियर डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलती है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर 7 शेड्यूल में, जिसके अंदर आपकी 3 लिस्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपकी एक यूनियन लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर यूनियन या स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। ओके, तो अपने पास स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से। अब ऑप्शन सी भी मेरे पास यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी के अंदर ऑप्शन जो है वो 1, 4, 5 है, 2 है नहीं, तो 1 और 2 तो होना ही चाहिए आंसर में। मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, ए और डी। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। यस, डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में भी लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर। ओके, तो डेफिनेटली एक प्रोसीजर फॉलो करना है, और जो पर्टिकुलर एरियाज फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं वहां पर तो आपको स्टेट्स से भी अप्रूव कराना पड़ता है, उसके बाद ही जाकर के आप अमेंड कर सकते हो। तो पॉइंट नंबर 3 भी एकदम सही है। तो पॉइंट नंबर 3 तो देखो 1, 2, 3 दोनों के अंदर है। अब बेसिकली अपने को ये पता करना है कि 4 और 5 जो स्टेटमेंट्स हैं, ओके, वो सही है या नहीं। अब देखो 5th पॉइंट के ऊपर मैं आता हूं, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि प्रीएम्बल को यूज किया जा सकता है फंडामेंटल, क्योंकि वो एक बेसिक प्रीएम्बल को हम क्या बोलते हैं कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनकी जो सोच है उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, जिस तरह से जिस दिशा में वो चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन काम करे वो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली प्रीएम्बल को आप यूज कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स के एम्बिट को डिटरमिन करने के लिए। इसका मतलब आपका स्टेटमेंट नंबर 5 गलत है। 5 अगर गलत है तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर यहां पर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरीके से एलिमिनेशन का काम कर सकते हो आप। थोड़ा सा आप डिटेल देख लेते हैं। तो बेसिकली देखो, जो सुप्रीम की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन अपना दिया है अपने जजमेंट में कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है, ये देश का परमानेंट लॉ है, और कोई भी ब्रांच सरकार की, चाहे वो कोई गवर्नमेंट का ऑर्गन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो जुडिशरी हो, इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, क्योंकि ये सब अपनी जो अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन से इनको मिल रही है। तो जहां से इनको अथॉरिटी मिल रही है, इनके पास इतनी अथॉरिटी थोड़ी हो जाएगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दें। ओके, सो दैट इज व्हाई योर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। डिवीजन ऑफ पावर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 7 शेड्यूल के अंदर, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, नाउ जो डिवीजन ऑफ पावर है, एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मेंटेन्ड ओनली इफ द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज रिजिड। तो हमारे यहाँ पर अमेंडमेंट जो है उसको रिजिड रखा गया है। ओके, स्पेशली जो फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं वहां पर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के उसको अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट का उसके अंदर 50% स्टेट्स का आपको उसके अंदर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो अमेंडमेंट भी रिजिड है, इसीलिए हमारे पहले 2, 3 पॉइंट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट तो करेक्ट थे। उसके बाद जी, सॉवरेन का क्या मतलब होता है? देखो, सॉवरेन जब हम बोलते हैं कि इंडिया सॉवरेन है, तो इंडिया सॉवरेन का क्या मतलब है कि हम भैया किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हम अपने आप में एक नेशन है, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, और इंडिया के ऊपर कोई और देश नहीं बैठा। हम अपने अफेयर्स खुद कंडक्ट कर सकते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ओके, हम इंडियन पार्लियामेंट को सॉवरेन क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं लीगल रिस्ट्रिक्शंस है ना। कोई बॉडी अगर सॉवरेन होती है ना, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसके ऊपर किसी तरीके की बंदिश नहीं होती। लेकिन पार्लियामेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून बना दे। अगर वो पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून बना देगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है, जुडिशरी उसको देकर के मारेगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इंडियन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर अगेन दोनों सॉवरेन नहीं है। ओके जी, उसके बाद प्रीएम्बल की अगर हम बात करें तो प्रीएम्बल देखो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, और प्रीएम्बल को इन्वोक किया जा सकता है टू डिटरमिन द राइट एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, क्योंकि इसको क्या बोला गया है? एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जैसे मैंने आपको कहा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो किस डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को, ये उस डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो डेफिनेटली आप इसको इन्वोक कर सकते हो, यूज कर सकते हो प्रीएम्बल को, फंडामेंटल राइट्स के जो पूरे का पूरा पिटारा है देखने के लिए कि हाँ भाई इसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बार बार पता नहीं कितने एग्जाम्स में पूछते हैं, स्टेट सर्विसेज में इतनी बार आ चुका है, हिमाचल हरियाणा वगैरह के। तो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 प्रोवाइड्स फॉर एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन द एज ग्रुप। ये बड़ा कान घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है, कभी पूछ लेते हैं कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से आया था राइट टू फ्री एजुकेशन, ओके उसके बाद कभी आपसे पूछ लेते हैं कि ये अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुआ था, आर्टिकल नंबर क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 6 से 14 साल में बेसिकली बेटा आपका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, जिसको पास किया गया था आर्टिकल 21A के अंडर। तो आर्टिकल 21A सरकार लेकर के आई थी, तो इसमें बेसिकली इन्होंने क्या बोला था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें 6 से 14 साल के बच्चों को। ओके तो इसने बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया, लेकिन सिर्फ 6 to 14 की एजुकेशन को। नेक्स्ट, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द राज्य सभा। अच्छा अगर प्राइम मिनिस्टर जो है राज्यसभा के मेंबर हैं, ओके जैसे मनमोहन सिंह थे हमारे, वो राज्यसभा के मेंबर थे। ही कैन मेक स्टेटमेंट्स ओनली इन द राज्यसभा, ओनली इन द राज्यसभा। अच्छा जी सिर्फ राज्यसभा में स्टेटमेंट दे सकते हैं। ही हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर लोकसभा का मेंबर बनना होगा। He will not be able to speak on the budget in the Lok Sabha, लोक सभा में बजट के ऊपर नहीं बोल सकते। He will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion। अच्छा देखो अब सबसे पहली बात, this is not only for prime minister, but कोई भी राज्यसभा का मेंबर या कोई भी लोकसभा का मेंबर जाकर के दूसरे हाउस के अंदर दे कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन ऑल्सो मेक अ स्टेटमेंट। मिनिस्टर्स की अगर मैं बात करूं, मिनिस्टर्स की आपका होम मिनिस्टर भी लोकसभा का अगर मेंबर है वो राज्यसभा में जाकर के स्टेटमेंट दे सकता है। सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर अगर राज्यसभा का मेंबर है वो लोकसभा में जाकर के स्टेटमेंट दे सकता है, या कोई मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में जाकर के स्टेटमेंट दे सकता है। मिनिस्टर कैन मेक अ स्टेटमेंट, तो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो मिनिस्टर। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया ऑप्शन है कि ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन राज्यसभा, वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में स्टेटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, ये जो 6 महीने के अंदर लोकसभा का मेंबर बनने वाली कोई कंडीशन नहीं होती। बेसिकली क्या कंडीशन होती है कि आप प्रधानमंत्री बन गए लेकिन आप ना लोकसभा के मेंबर हो ना राज्यसभा के मेंबर हो। ठीक है, तब भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, ना आप लोकसभा के अभी करंटली इलेक्टेड मेंबर हो ना राज्यसभा के करंटली इलेक्टेड मेंबर हो, फिर भी आपको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। शर्त क्या होती है कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से मेंबर बन के आना है, ये कंडीशन होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप राज्यसभा के मेंबर हो तो आपको लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा 6 महीने में, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। क्योंकि भारत का संविधान क्या बोलता है कि आप चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से थे, तो बी भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट, तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रधानमंत्री की तो सरकार है जो बजट रिप्रेजेंट कर रही है और प्रधानमंत्री को आप लोकसभा में नहीं बोलने दोगे, ऐसा नहीं होता। सी भी गलत हो गया। डी बिल्कुल सही है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर आता है और वोटिंग का अधिकार सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स को होता है। यहां पर यह बात हो रही है बोलने की, स्टेटमेंट मेकिंग अलग होता है, वोटिंग अलग होता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल होम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा में जाकर के कोई स्टेटमेंट देता है तो वो राज्यसभा में सिर्फ स्टेटमेंट दे सकता है, वो वोट नहीं कर सकता। सिमिलरली इज द केस अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा में जाकर के स्टेटमेंट दे सकता है लेकिन किसी भी मैटर पे वोट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन है और उसमें वोटिंग हो रही है लोकसभा पे तो वो जाकर के वहां पर कोई स्टेटमेंट देनी है तो वो दे सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर विल बी डी। ओके, सिंपल क्वेश्चन था। Next question, which one of the following formed the basic premises of developing the Indian Constitution? Basic premises for developing the Indian Constitution, Government of India Act 1835, US Constitution, British Constitution, UN Charter। तो देखो सबसे जो basic premises है जिसके ऊपर पूरे का पूरा भारत का संविधान टिका हुआ है, बेसिकली जहां से हमने प्रॉपर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है सरकार की, कॉन्स्टिट्यूशन की, वो हमने किससे लिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये वाला पार्ट पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोइंग्स अच्छे से कर लेना। बोरोइंग्स वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से करके जाना, इसमें से सवाल बहुत बार वो पूछता है और इजी नंबर होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, 4-5 बार अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। ओके, स्ट्रक्चरल पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो भारत सरकार का एक्ट जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके ऊपर से लिया गया है। दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ए। नेक्स्ट, मलिमथ कमेटी 2003 लुक्ड एट वेज टू रिफॉर्म। मलिमथ कमेटी किस चीज के लिए बनाई गई थी? एजुकेशनल सिस्टम के लिए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कॉपीराइट लॉ और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब देखो मलिमथ कमेटी 2015-16 में ये पेपर हुआ है, जनवरी महीने में 2016 में, ठीक है। सब ऐसा अब बच्चे कहते हैं सब हम तो बस अभी अभी का पढ़ेंगे 6 महीने का। मलिमथ कमेटी 2003 की पूछ लिया क्यों? क्योंकि उस टाइम पर क्या पता न्यूज में रहा हो, कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ रेफरेंस आया होगा। ओके, नहीं तो कमिटीज जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं अगर रेफरेंस ना भी आए वो तब भी पूछ लेता है। सारी अच्छी जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है पता होनी चाहिए, जैसे पंचायती राज की, सेंटर स्टेट रिलेशंस की, सारी कमिटीज का। ओके, आंसर होगा बी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए कमेटी बनाई थी। हेड थे इसके जस्टिस वीएस मलिमथ, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे कर्नाटका और केरला हाई कोर्ट के। कमेटी ने अपना 2000 में काम शुरू किया था, होम मिनिस्ट्री ने बनाई थी एंड अल्टीमेटली इन्होंने अपनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के ऊपर रिपोर्ट दी थी। उस टाइम पर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते थे एलके आडवाणी, उनको ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी, ठीक है। तो बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स के ऊपर ये रिपोर्ट था। नेक्स्ट, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। ओके, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स। पहले स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स, सारी स्टेट्स का लेने की जरूरत नहीं है, 50% से ज्यादा स्टेट्स का कंसेंट आ गया तो डन है। विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न, जिस पर्टिकुलर स्टेट को वो इंटरनेशनल ट्रीटी इफेक्ट करेगी सिर्फ उस स्टेट से कंसेंट लेना है। विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है अगर पॉलिटी पड़ी हुई है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली बोला कि इंटरनेशनल ट्रीटीज की जब बात आती है तो उस केस में पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट से कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसमें स्टेट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, स्टेट से वो पूछे ना पूछे। हाँ, सेंटर अगर कुछ कंसल्टेशन करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि उसका कंसेंट चाहिए कि हाँ भाई तू हाँ बोलेगा तो ही होगा, नहीं। तो आंसर यहां पर होना है आपका डी। किसी भी तरह के कंसेंट की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर भी जो मैटर्स हैं उनके ऊपर भी सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। फॉर इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन, दिस प्रोविजन एनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट। ओके, तो इंटरनेशनल ट्रीटी कोई साइन कर लिया हमने, कोई फॉर एग्जाम्पल यूएन में जाकर के कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो जब वो यूएन के एग्रीमेंट को हमने इंप्लीमेंट कराना फिर हम स्टेट से नहीं पूछेंगे। बाकी देश वाले नहीं तो क्या कहेंगे, दुनिया वाले बोलेंगे यार तुम्हारी तो आपस में नहीं बनती, तुम यूएन में तो आकर के बोल जाते हो फिर तुम्हारी स्टेट नहीं मानती। तो इसीलिए क्या कानून है कि इंटरनेशनल ट्रीटी के लिए हमको स्टेट के कंसेंट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सारी बहुत अच्छे से आपको करके जानी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस, अच्छा। इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ओके। इवॉल्व प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच फंड्स आर एलोकेटेड अमंग स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर जो फंड्स एलोकेशन होता है उसका बेसिकली प्रिंसिपल्स उसके डिसाइड करना। टू डेवलप 5-year plan, ठीक है। देखो अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 5-year plan बनाना काम जो है वो फाइनेंस कमीशन का नहीं है। 5-year plan के लिए पहले था प्लानिंग कमीशन, और जो अब लॉन्ग टर्म प्लान्स बनते हैं वो नीति आयोग के अंडर है। तो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल क्लियरली एलिमिनेट हो जाता है, उससे हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियरली हट गए। ओके, अब बचा अपने पास 1, 3, 2, 3, तो जाहिर सी बात है 1 और 3 बचा और 2 और 3 बचा, तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। अब फाइनेंस कमीशन का अगेन काम जो है वो रिकमेंड करना होता है, सरकार को रिकमेंडेशंस देना होता है। वो किसी तरह का इवैल्यूएशन नहीं करता सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, तो 2 भी यहाँ पर गलत है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3। ओके, तो फाइनेंस कमीशन के बेसिकली जो फंक्शन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देनी होती है। जो ब्रॉड मैटर्स हैं क्या है, सबसे पहले कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं वो कैसे डिवाइड होंगे सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, और स्टेट्स का क्या शेयर रहेगा। उसके बाद जी ग्रांट्स जो दिए जाएंगे स्टेट्स को सेंटर के थ्रू वो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर दिए जाएंगे, ऑलराइट। उसके बाद मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट, बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है जिससे इंप्रूव्ड रिसोर्सेज जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज तक पहुंचाए जा सके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन या फिर कोई और मैटर जो प्रेसिडेंट उनको रेफर करता है। तो ये ब्रॉड एरियाज हैं जहां पर फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देता है। स्कीम्स का इवेल्युएशन या 5 ईयर प्लान में उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोजीशन हेल्ड बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिफोर ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने से पहले एस राधाकृष्णन कौन सी पोजीशन पर थे? एम्बेसडर टू द यूएसए, चेयरमैन यूजीसी, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन। देख रहे हो आप क्वेश्चन की डेप्थ, देख रहे हो यहां से क्वेश्चन की डेप्थ पता चल जाती है। तो जो बच्चे बड़ा लिमिटेड सा पढ़ करके जाते हैं ना, फिर वो पेपर में जाकर के बड़े तंग होते हैं कि यार हम तो पॉलिटी पढ़ करके आए थे। अब वो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे होते हैं ज्यादातर, ये यूपीएससी में पेपर देने वाले एओ और एपीएफसी में भी, या फिर जो बाकी के नॉन यूपीएससी होते हैं वो पहुंच जाते हैं यूपीएससी वालों से ही गाइडेंस लेने अल्टीमेटली। और यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज वाले हैं वो एक ही किताब उनके जहन में है, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, लक्ष्मीकांत पढ़ लो। बेटा ये सवाल लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा। पॉलिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत आपने पढ़ ली, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ ली तो आपके यूपीएससी के पेपर क्लियर हो जाएंगे प्रीलिम्स टाइप एमसीक्यूज वाले। अगर होते होते तो बहुत से बच्चे अभी तक आईएएस बने हुए होते हैं। बहुत वाइड हॉरिजन चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एनसीईआरटी की रीडिंग, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, एम्बेसडर टू द सोवियत यूनियन। देखने में कोई बहुत रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं है, बट आता है तो कर सकते हो, नहीं तो क्या कर, कोई भी नहीं कर सकता है इसको आंसर अगर नहीं पता तो। तो एस राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडियन फिलोसोफर थे, टीचर, राइटर, पॉलिटिशियन। आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 में और इन्हीं की जन्मतिथि पर आपका टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे एंड इंडियन कल्चर को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने काफी सारी किताबें लिखी। हिंदुइज्म को डिफेंड करने के लिए इन्होंने बुक्स लिखी जैसे कि द फिलॉसफी ऑफ उपनिषद, ईस्ट एंड वेस्ट, सम रिफ्लेक्शंस। इस टाइप की बुक्स पेपर में वो डायरेक्टली पूछ सकता है। ओके, 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुने गए एंड एम्बेसडर रहे हैं यूनेस्को के एंड लेटर टू मॉस्को। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले ये एम्बेसडर थे मॉस्को में, यूनेस्को में तो उससे भी पहले थे। ओके, एंड 1952 में भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने 1962 में। पहले वाइस प्रेसिडेंट बने 1952 में, उसके बाद इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट। दोनों चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको क्या गिवन है? आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों इंडिविजुअली ट्रू है और स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों ट्रू हैं बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी कहता है स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। डी कहता है स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑप्शन क्या है? स्टेटमेंट 1 क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब देखो उसमें एओईओ में आई थिंक एस्टिमेट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन था, एपीएफसी में एओयू उस पे सॉरी पब्लिक अकाउंट कमेटी पे। तो ये जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है ना पार्लियामेंट की, तो अच्छे से करके जानी है आपने। स्टेटमेंट 2 कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एमिनेंट पर्संस फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड आर द मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट्स होगी, आपको बताना है एबीसीडी में से। करेक्ट आंसर है इसका देखो सी, स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। मैं क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आऊंगा, पहले हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पहली बार 1921 में सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर एंड तब से ये एग्जिस्टेंस में है। प्रेजेंटली अगर हम बात करें इसकी जो स्ट्रेंथ है 22 मेंबर्स की है, 15 लोकसभा से चुने जाते हैं, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। मेंबर्स को पार्लियामेंट इलेक्ट करती है अपने आप में से, जैसे 15 लोकसभा के मेंबर हैं तो लोकसभा के लोग बैठ करके वोटिंग करके अपने 15 लोग चुन लेंगे। सिमिलरली राज्यसभा ऐसा करेगी। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल यूज किया जाता है वोटिंग के लिए। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज किया जाता है? ताकि जो छोटी पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर उनको भी ड्यू इसके अंदर टेक मिले। जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा इन इलेक्टेड मेंबर्स का 1 साल का होता है, 1 ईयर। मिनिस्टर जो है इस कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता, तो कोई भी अगर सरकार में मिनिस्टर है तो वो इस कमेटी में मेंबर नहीं हो सकता। चेयरमैन जो होता है कमेटी का, वो जो मेंबर चुने गए हैं, जो 22 मेंबर चुने गए हैं, उन्हीं में से एक को चेयरमैन बना दिया जाए, चेयरमैन सिलेक्ट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। और ये कौन करेगा? ये लोकसभा का स्पीकर करेगा। 1966-67 तक तो क्या होता था, चेयरमैन जो होता था वो रूलिंग पार्टी में से ही उसको चुना जाता था, जो बेसिकली पावर में पार्टी होती थी। लेकिन उसके बाद एक कन्वेंशन बनाई गई 1967 से कि जो भी चेयरमैन बनेगा ना कमेटी का, वो ऑपोजिशन पार्टी से बनेगा। फंक्शन क्या होता है कमेटी का? मेनली जो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स होती है ना सीएजी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, ओके, जो पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट पेश करता है, उन ऑडिट रिपोर्ट्स को एग्जामिन करेगा। अब सीएजी 3 रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट्स, ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ओके, ये जो कमेटी है ये पब्लिक एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करेगी, सिर्फ लीगल या फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ओके, बट इसका ये भी काम होगा कि ये देखेगी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ठीक है, विजडम का प्रॉपर यूज हुआ है कि नहीं, प्रूडेंस है कि नहीं, ठीक है, वेस्टेज तो नहीं हुई, करप्शन तो नहीं है, इनएफिशिएंसी तो नहीं है। तो लीगल और फॉर्मल पॉइंट से तो देखेगा ही, टेक्निकल इरेगुलरिटीज देखने के लिए, बट ये भी देखेगा कि किसी तरह की धांधलेबाजी, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ब्रॉडली अगर फंक्शंस की बात करें इस कमेटी के, तो बेसिकली क्या क्या आ गया? एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को एग्जामिन करता है एंड फाइनेंस अकाउंट्स को एग्जामिन करता है, यूनियन गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स बेसिकली लोकसभा के सामने आते हैं। ओके, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स क्या होते हैं? वो आपके बेसिकली एक्चुअल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करते हैं जो सैंक्शनड एक्सपेंडिचर था थ्रू एप्रोप्रिएशन एक्ट, जो बजट के टाइम पर होता है। ओके, तो ये देखेगा कि एक्सपेंडिचर और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और जो सैंक्शनड एक्सपेंडिचर है उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है, और डिफरेंस है तो क्यों है। Accounts, appropriation accounts and audit report of CAG on the committee has to satisfy itself. अब कमेटी को जो CAG की रिपोर्ट्स से भी एग्जामिन कर रहा है, तो इसमें अपने आप को क्या क्या सेटिस्फाई करना है इसने अपने आप को, ठीक है, कि भैया जो मनी है उसको लीगल वे के थ्रू डिसबर्स किया गया है कि नहीं, प्रॉपर रूट के थ्रू डिसबर्स। सरकार के अंदर ना प्रॉपर पैसेज बने होते हैं कि इस तरीके से पैसा जाएगा, तो वो प्रॉपर पैसेज को फॉलो किया गया है या नहीं। एक्सपेंडिचर जिस अथॉरिटी को खर्चा करना था, जो पर्टिकुलर खर्चा जिस पर्टिकुलर अथॉरिटी को करना था उसी ने किया है या किसी कहीं और घुसा दिया उस पैसे को। एवरी रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स। अगर आपने पैसे को रीअप्रोप्रिएट किया है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा था, आपने उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज करना था, तो उसके लिए आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं। स्टेट कॉर्पोरेशंस, ट्रेडिंग कंसर्न्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ सीओजी ऑन देम, ठीक है, एक्सेप्ट दोज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, क्योंकि पब्लिक अंडरटेकिंग्स की जो रिपोर्ट होगी वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के पास ही जाती है। अकाउंट्स ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, उनके जो रिपोर्ट होगी ऑडिट की वो भी एग्जामिन करेगी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज में आरबीआई वगैरह जैसे टाइप की बॉडीज आ गई है ना। Consider the report of CAG relating to the audit of any receipt or examine the accounts of stores and stocks. To examine the money spent on any service during a financial year in excess. Okay, तो जो भी अमाउंट लोकसभा ने ग्रांट किया है उससे अगर एक्सेस में एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने पैसा स्पेंड किया है तो वो भी एग्जामिन करेगा। ओके, और इन सारे फंक्शंस के अंदर कमिटी को रेगुलर असिस्टेंस रहती है सीएजी की, ठीक है। सीएजी बेसिकली एक तरह से इस पर्टिकुलर कमेटी का, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर एक्ट करता है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स एज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। ओके, तो ये सारे आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, देखो पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, बिल्कुल ठीक है, हमने देख लिया 22 लोग होंगे, 22 में से ही एक को चुन लेगा स्पीकर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमिनेंट पर्सन फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड, तो ये लोग तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ पर तो सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही, लोकसभा में से 15 और राज्यसभा में से 7, टोटल 22 मेंबर, बाहर के लोगों का यहाँ पर है ही नहीं एंट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लोग कहाँ से आ गए, तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है और इसीलिए आपका आंसर सी है। ओके, अब पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक क्रिटिसिज्म भी है कि इसकी जो एफिशिएंसी है ये रिड्यूस हो जाती है, तो या इफेक्टिवनेस रिड्यूस हो जाती है, ये लिमिट हो जाती है। उसका रीजन क्या है? सबसे पहले ये जो पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना उससे कंसर्न नहीं होती है, सिर्फ खर्चा, और ये देखती है कि कितना सैंक्शन हुआ था, कितना खर्चा हुआ। और दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये खर्चों को तब देखती है जब खर्चा हो चुका है, तो पोस्टमार्टम करती है, ठीक है। अगर ये पहले से देख सकती होती तो बेसिकली वेस्टेज रुक जाती ना। अब ये देखिए कि वेस्टेज हुई है या नहीं है, चलो वेस्टेज हो भी गई तो वो तो हो गया ना, पब्लिक मनी तो वेस्ट हो गई, वो भी एक क्रिटिसिज्म है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स में ये इंटरवीन नहीं कर सकती, इसकी जो भी रिकमेंडेशंस होंगी वो एडवाइजरी होंगी, बाइंडिंग नहीं होती मिनिस्ट्रीज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इसके पास कोई पावर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इसको लगता है कि यार ये खर्चा ये डिपार्टमेंट गलत कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसका खर्चा रुकवा दें, वो भी पावर इनके पास नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है तो कोई ऑर्डर इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अल्टीमेटली ये तो बस अपनी रिपोर्ट दे देगी पार्लियामेंट को, उसके बाद पार्लियामेंट अगर कुछ इसकी रिपोर्ट पे एक्शन लेगी तो लेगी, अल्टीमेटली ये खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो ये इसके मेन क्रिटिसिज्म्स है। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि इफेक्टिवनेस जो है कमेटी की वो कैसे रिड्यूस हो जाती है। ऑलराइट, विद दिस वी आर डन विद द 10 क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी गाइस। पीडीएफ इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपके पास कॉम्बो कोर्स है तो आपको पीडीएफ के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, डू ज्वाइन इट। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।